discuss about class 9 NCERT lesson lines and angle. This is part 21 video. In this video we will discuss about example number 5. Okay, see the example. If a transversal intersect two lines, ek transversal hai intersect ho raha hai two lines, yahan par figure dekh rahi hai, such that the bisectors of a pair of corresponding angles are parallel. मतलब यहाँ पर देखो क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोला है कि आपको एक ट्रांसवर्सल से इंटरसेक्ट हो रहा है टू लाइंस को. मान लो कि यहाँ पर आपके दो लाइंस है, मैं यहाँ पर टू लाइंस ड्रा करता, ओके नाम दे देता. सपोज यहाँ पर ये लाइन ए बी और ये सी डी, लाइन सी डी और इसको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट हो रहा है, ओके एक ट्रांसवर्सल है. मान लो कि इसको भी नाम दे देता यहां पर ई एफ, ये ट्रांसवर्सल को नाम दे दिया मैंने ई एफ. मतलब ये ई एफ क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है दो लाइंस को ए बी एंड सी डी को. देन अगेन क्या बोला है, The bisectors of a pair of corresponding angles are parallel. मतलब यहाँ पर जो अब इसके corresponding angles कौन से हैं? यहाँ पर देखो ये दो lines हैं, okay? ये AB and CD दो lines हैं. ये transversal intersect हो रहा है, तो इसके ये जो angles रहेंगे, ये वाला angles और ये वाला angles क्या रहेंगे? Corresponding angles. ये दो angles क्या रहेंगे? Corresponding angles. और क्या बोला है कि pair of corresponding angles are parallel. मतलब यहाँ पर bisect हो रहा है, okay? Bisectors. क्या बोला है? बाइसेक्टर्स. मतलब यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स के जो बाइसेक्टर्स है, सपोज मैं यहाँ से एक बाइसेक्टर्स निकालता, ये एक बाइसेक्टर हुआ और ये अनदर बाइसेक्टर हुआ. मतलब इसको नाम दे देता यहाँ पर ये जी एच और ये आई और ये जे, ओके ये मतलब ये जो बाइसेक्टर से आई जे और जी एच, ओके ये क्या है? पैरेलल है. मतलब ये जी एच एंड आई जे क्या है? यहाँ पर पैरेलल है. देन हमें क्या प्रूफ करने के लिए बोला है? देन प्रूव दैट द टू लाइंस आर पैरेलल. मतलब ये जो लाइंस रहेंगी ये ए बी एंड सी डी ये पैरेलल है, हमें प्रूफ करना है, ओके. वंस अगेन रिपीट करता हूँ, यहाँ पर देखो हमको ए बी एंड सी डी दो लाइन दे करे और ई एफ क्या है? ट्रांसवर्सल से, ओके. तो इसमें से अब जब ए बी एंड सी डी क्या टू लाइन है, तो यहाँ पर देखो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से, ये ई जी बी ये वाला एक एंगल और जी आई डी ये वाला एक एंगल, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ओके. अब ये करस्पॉन्डिंग एंगल के बाइसेक्टर्स, मतलब ये जी एच और आई जे ये वाले बाइसेक्टर्स है, ये क्या है? पैरल है, ओके. जब ये पैरेलल से जी एच एंड आई जे, तो आपको क्या बोला है? देन प्रूव दैट द टू लाइंस आर पैरेलल. मतलब ये ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी ये क्या है? पैरेलल है, आपको प्रूव करना है, ओके. सो क्या होगा, देखो गिवन में क्या देख रहे हैं, जो जो देख रहे हैं वो लिखते हैं गिवन में. अब यहाँ पर देखो ई एफ क्या है, यहाँ पर ई एफ ट्रांसवर्सल है, ओके. ट्रांसवर्सल EF intersect two lines AB and CD. तो यहाँ पर मैं लिखता transversal, कौन से यहाँ पर EF है, EF intersect हो रहा है, intersect two lines, दो lines को intersect हो रहा है, कौन से AB and CD, ओके. नाउ अगेन यहाँ पर देखो गिवन में क्या देख रहे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स पैरेलल. मतलब ये एंगल्स, एंगल ई जी एच, सॉरी बाइसेक्टर, एंगल्स नहीं, उसके बाइसेक्टर कौन से, ये जी एच एंड आई जे, ओके. करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बाइसेक्टर, मतलब बाइसेक्टर कौन से, जी एच एंड आई जे, ये क्या है? पैरेलल है. तो ये भी लिख लेंगे यहाँ पर, अगेन यहाँ पर ये जी एच एंड आई जे, जी एच पैरेलल टू आई जे, ओके. बात ध्यान में रखना, बाइसेक्टर्स बोला है, बाइसेक्टर्स आर पैरेलल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बाइसेक्टर्स क्या है? पैरेलल है. नाउ अगेन टू प्रूव के लिए क्या है, यहाँ पर देखो टू
प्रूव, दो लाइंस, कौन से दो लाइंस प्रूव करना है, मतलब पैरेलल ए बी पैरेलल टू सी डी, जो दो लाइंस पैरेलल है ए बी पैरेलल टू सी डी आपको प्रूव करना है। ओके नाइस, का प्रूफ देखो, अब यहां पर देखो, इफ यहां पर देखो, इफ ये बाइसेक्टर से यहां पर जी एच एंड आई जे, ओके वन बाय वन देखेंगे आप। ओके अब सबसे पहले यहां पर करस्पॉन्डिंग एंगल्स में देखो, ये बाइसेक्टर मतलब एक बात ध्यान में रखना है कि ये जो एंगल्स रहेंगे ये इक्वल्स रहेंगे क्योंकि ये बाइसेक कर रहा है। ओके तो ये मतलब ये और ये एंगल्स, और ये एंगल्स और ये एंगल्स एक दूसरे को क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे क्योंकि ये बाइसेक्टर है। ओके तो अब यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या होगा, अब यहाँ पर ये बाइसेक्टर को लेकर चलते वन बाय वन। यहाँ पर देखो जी एच, जी एच का है बाइसेक्टर ऑफ एंगल, कौन सा एंगल का बाइसेक्टर है, ई जी बी, ये एंगल्स के। यहाँ पर देखो क्या होगा, सबसे पहले जी एच, जी एच इज द बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ एंगल, कौन से, ई जी बी, ई जी बी। ओके ये एंगल का बाइसेक्टर है। ओके इससे ये दो एंगल्स इक्वल है तो ये क्या होगा, ये जो एंगल्स है ये वाले दो एंगल्स ये क्या होंगे, ये एंगल्स के हाफ होंगे, आधे होंगे, बिकॉज यहाँ पर देखो ये एंगल्स और एंगल्स इक्वल है तो ये दोनों एंगल्स ये होल एंगल्स के क्या रहेंगे, हाफ रहेंगे। तो यहाँ पर कंपेयर करके लिखते हैं, यहाँ पर देखो एंगल ई जी एच ये वाला एंगल। ओके अब यहाँ पर हमें ये वाला एंगल्स ले रहा हूँ मैं, यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके और नीचे में ये वाला एंगल्स लेते हैं, तो देखो यहाँ पर ये एंगल ई जी एच, ओके यहां से लिखता है एंगल कौन सा, ई जी एच ये वाला एंगल, एंगल ई जी H इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एंगल, किसके हाफ होगा, ये ई जी बी के हाफ होगा क्योंकि ये जी एच का यहाँ पर बाइसेक्टर है। सो क्या होगा, हाफ ऑफ द एंगल क्या होगा, ये ई जी बी होगा, ई जी बी। ओके अब इसको इक्वेशन वन दे देते हैं। नाउ अगेन उसी तरह से यहाँ पर देखो ये आई जे, अब ये देखो यहाँ पर आई जे क्या है, बाइसेक्टर आप कौन सा एंगल का, जी आई डी ये वाले एंगल्स का। ओके सो यहाँ पर उसी तरह से लिखेंगे, यहाँ पर देखो क्या होगा, आई जे ये आई जे इज द बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ एंगल, कौन सा एंगल का, जी आई डी, एंगल जी आई डी ये एंगल का क्या है, मतलब बाइसेक्टर है। ओके अब यहां पर देखो, सो ये एंगल्स लेंगे आप कौन सा, जी आई जे ये स्टार किया है मैंने। ओके यहां पर ये एंगल्स लिए थे तो ये एंगल्स क्या होगा, ये होल एंगल्स का क्या होगा, हाफ होगा। सो यहां पर देखो एंगल जी आई जे, जी आई जे इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एंगल, हाफ ऑफ द एंगल क्या होगा, जी आई डी ये वाले एंगल्स का क्या होगा, हाफ होगा, जी आई डी। ओके इसको इक्वेशन टू दे दो। तो अब यहां पर देखो एक बार ध्यान में रखो कि अब यहां पर देखो ये जी एच एंड क्या है यहां पर आई जे। ओके ये जी एच एंड आई जे पैरेलल है। ओके दो लाइंस क्या है यहाँ पर, मतलब ये जी एच एंड आई जे बाइसेक्टर लाइंस क्या है, पैरेलल है। ओके जब ये दो लाइंस पैरेलल रहेंगे तो इसके जो करस्पोंडिंग एंगल्स क्या रहेंगे यहाँ पर, इक्वल्स रहेंगे। ओके अब यहाँ पर देखो इफ, इफ कौन सा एंगल ऑलरेडी हमें गिवन में दे करे। ओके इफ जी एच पैरेलल टू आई जे, जी एच क्या है, जी एच पैरेलल टू आई जे है। ओके हमें कहां पर देख रहे, गिवन में ही देख रहे, कहां पर देख रहे, गिवन में देख रहे। ओके इफ अगर जी एच पैरेलल टू आई जे है, ये जी एच पैरेलल टू आई जे है तो यहां पर देखो ये पैरेलल लाइन पर उसके करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा एंगल, ये स्टार किया वाला और ये वाला एंगल ई जी एच और एंगल जी आई जे, जी आई जे ये क्या रहेंगे, इक्वल्स बनेंगे क्योंकि पैरेलल लाइंस पर उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या रहते हैं, इक्वल।
सो देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर एंगल ईजीएच इज इक्वल टू जी आई जे ओके, मतलब यहां पर एंगल इज इक्वल टू एंगल जी आई जे, ये वाले इसका आई वाले जो एंगल्स ओके ये क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल से और ये क्या रहेंगे इक्वल रहेंगे बिकॉज ये दो लाइन पैरेलल है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल से उसके तो ये इक्वल बन जाएंगे। रीजन क्या रहेगा बाय करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सिम बाय करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग एंगल से करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सिम के हिसाब से ये क्या है इक्वल है ओके करस्पॉन्डिंग एंगल से। नाउ अब देखो यहां पर EGH है और इसकी जो वैल्यूज है यहाँ पर है देन GIJ तो यहाँ पर भी इसकी वैल्यू है ओके ये वाली एंगल्स के साथ तो ये पुट अप कर देंगे। इसको मैं इक्वेशन थर्ड दे देता ओके इसको हम इक्वेशन थर्ड दे देंगे Now, अब क्या करना है सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू EGH एंड GIJ की कहां पर इन इक्वेशन 3 में ओके सो क्या होगा यहां पर नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू पुट अप कर लो इन प्लेस ऑफ EGH एंड GIJ ओके तो EGH की वैल्यू क्या है यहां पर हाफ ऑफ द एंगल EGB तो यहाँ पर इसके प्लेस में क्या आएगा हाफ ऑफ द एंगल कौन सी वैल्यू आएगी EGB और यहाँ पर देखो GIJ की वैल्यू क्या रहेंगे हाफ ऑफ द एंगल GID हाफ ऑफ द एंगल GID ओके हमने कहाँ से लिए ये फ्रॉम कहाँ से पुट अप किए फ्रॉम वन एंड टू फ्रॉम वन एंड टू। अब यहां पर देखो ये दो से मतलब यहां से और यहां से ये वैल्यू पुट अप किए। अब यहां पर देखो यहां पर भी हाफ है वहां पर भी हाफ है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड तो ये हाफ ऑफ गेट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या यहां पर देयरफॉर एंगल ईजीबी इज इक्वल टू एंगल जी आई डी ओके ये दो एंगल्स बन गए। इसको इक्वेशन 4 दे देता अब देखो ये इक्वेशन 4 दे दिया यहां पर और यहां पर देखो ईजी बी ये वाला एंगल्स ये वाला होल एंगल देखो ये और यहां पर देखो जी आई डी ये वाला एंगल्स ओके ये कौन से मतलब यहां पर देखो ये कौन से एंगल से करस्पॉन्डिंग एंगल से ओके वो कौन से लाइन पर है एबी एंड सीडी लाइन पर है जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल रहते तो रिमेनिंग टू लाइंस क्या रहेगी पैरेलल रहेगी तो यहाँ पर इसको ये कौन से एंगल से इक्वेशन 4 दिया यहाँ पर ये करस्पॉन्डिंग एंगल से ये आपके क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल से ओके जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल रहते यहाँ पर देखो ये करस्पॉन्डिंग एंगल से ईजीबी और जीआईडी ओके ये करस्पॉन्डिंग एंगल से करस्पॉन्डिंग एंगल जब इक्वल रहते तो रिमेनिंग टू लाइंस आर पैरेलल सो देयरफॉर क्या होगा यहाँ पर आपको मिलेगा ये कौन से लाइन पर है दो एंगल्स ए बी एंड सी डी तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सी डी हो जाएगा टू लाइंस क्या रहेगा मतलब ये सॉरी ए बी इक्वल नहीं पैरेलल हो जाएगा ए बी पैरेलल टू सी डी हो जाएगा ओके तो रीजन क्या रहेगा बाय द कॉनवर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सिम कॉनवर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सिम ओके मतलब ये दो एंगल्स मिले यहां पर ईजीबी और जीआईडी और ये दो लाइंस पर है और ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या रहेंगे इक्वल्स रहेंगे तो रिमेनिंग टू लाइंस क्या रहेंगी पैरेलल
ए बी पैरेलल टू सी डी, तो यही हमको प्रूव करना था, ए बी पैरेलल टू सी डी, जो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया है। ओके, सो आई होप कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल था। नाउ इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।